नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करें अगर कंगना रनौत के शो लॉकअप की, तो उनका शो लॉकअप खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस कंट्रोवर्शियल शो में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे के बारे में कई खुलासे कर रहे हैं। वहीं अब एक कंटेस्टेंट ने तो शो के मेकर्स पर ही सवाल उठा दिए। जी हाँ, लॉकअप का एक नया प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें एक्ट्रेस पायल रोहतगी शो के मेकर्स पर सवाल खड़े करते नजर आती हैं। प्रोमो में पायल कहती हैं कि आपने मुझे 3 घंटे तक लॉक रखा, प्रतिभागियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। 3 घंटे तक मुझे लॉक रखना, ये बात मुझे कतई पसंद नहीं आई। प्रोमो में मुनव्वर फारूकी पायल रोहतगी को समझाते हुए भी दिखते हैं। मुनव्वर कहते हैं कि यहाँ कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं है जो टूट ना सके। इसके बाद क्या पायल जेल की सीढ़ी पर चढ़ जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस वजह से पायल रोहतगी को 3 घंटे तक कॉरिडोर में लॉक रखा गया। तो बस अब शो में आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पायल का मेकर्स पर सवाल उठाना जायज था या नहीं। खैर, कंगना के इस शो में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आए हैं जिनके कारनामे भी गजब हैं, जैसे कि बबीता फोगाट ने जेल को ही अखाड़ा बना दिया। वे यहाँ सभी को पहलवानी सिखाते नजर आई, तो वहीं शिवम एक्ट्रेस सारा खान को शायरियां सुनाने में बिजी दिखे। आपको बता दें कि शो में पायल रोहतगी की एंट्री हुई और एंट्री के साथ ही कंगना और उनमें जोरदार बहस भी देखने को मिली। दरअसल जर्नलिस्ट के सवाल पूछने पर जब पायल ने कंगना का एग्जाम्पल देना शुरू किया तो कंगना ने कहा कि आप अपनी बात करो, मेरा एग्जाम्पल मत दो। इसके काउंटर में पायल ने कंगना के आलिया और उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर किए गए सारे कमेंट्स पर सवाल उठाया। बस फिर आगे क्या, आग लगने के लिए इतनी ही चिंगारी काफी है। खैर, शो में हर कोई किसी ना किसी विवाद का हिस्सा है और देखा जाए तो यही लोगों का एंटरटेनमेंट भी है कि कौन किसकी क्या क्या पुल खोलता है।